अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होप यू ऑल आर फाइन। टुडे इज़ दिसंबर 9, 2020 एंड द डे इज़ वेडनेसडे। हम लोगों ने जो अपना आज यूनिट स्टार्ट करना है, न्यू यूनिट स्टार्ट करना है, दैट इज़ यूनिट 4 विच इज़ साउंड। आज हम इसकी डेफिनेशंस करेंगे एंड रिमेनिंग चैप्टर हम इंशाल्लाह कल से स्टार्ट करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट विद डेफिनेशन फर्स्ट। द फर्स्ट डेफिनेशन इज़ साउंड, कि हमारे पास साउंड क्या होती है। साउंड की डेफिनेशन हमारे पास क्या है, साउंड इज़ अ फॉर्म ऑफ इनर्जी। साउंड हमारे पास किसकी फॉर्म में होती है, इनर्जी की फॉर्म में होती है। साउंड वेव्स ट्रैवल्स आउटवर्ड्स इन ए सर्कल, और साउंड वेव्स जो हैं वो किस तरह ट्रैवल करते हैं, साउंड वेव्स सर्कल में सर्कल से आउटवर्ड्स, मतलब कि सर्कल से आउटवर्ड डायरेक्शन में जाकर साउंड वेव जो है वो ट्रैवल करती हैं। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट डेफिनेशन है इकोज, कि इकोज हमारे पास क्या होता है। इकोज आर प्रोड्यूस्ड, इकोज जो है प्रोड्यूस होती हैं विद द साउंड वेव्स बाउंसेज ऑफ सरफेस। जब साउंड वेव्स जो होती हैं, जब हमारे पास आवाज़ की वेव्स जो होती हैं बाउंसेज ऑफ, जब सरफेस से वो टकरा के वापस आती हैं तो हमारे पास इकोज प्रोड्यूस होती हैं। फॉर एग्जांपल, आप एक रूम में हैं और रूम जो है वो खाली है, और वो रूम बंद हुई है, इसके लिए आपके पास कुछ स्पेसिफिक चीज होती हैं कि आपके पास रूम जो है वो बड़ा होना चाहिए, आपके पास वॉल की जो है वो विड्थ वगैरह सब कुछ जो है वो एक स्पेसिफिक होती है। तो आप एक रूम में हैं एंड द रूम इज़ वाइड, तो आप ऑब्जर्व करते हैं कि जब आप ऊंचा सा बोलते हैं तो आपकी आवाज़ जो है आपको कुछ देर बाद बाउंस बैक होती है, वापस टकरा के आपको सुनाई देती है। तो दैट इज़ नोन एज इकोस, तो उसको क्या कहते हैं, हम इको कहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट डेफिनेशन है हमारे पास साउंड वेव्स, कि साउंड वेव्स क्या होती हैं। द वाइब्रेशन पासिंग फ्रॉम द पार्टिकल टू पार्टिकल इज कॉल्ड साउंड वेव्स, कि जो साउंड वेव्स बनती, बेसिकली साउंड बनती किस तरह है, वाइब्रेशन से बनती है। और साउंड वेव्स फिर किस तरह बनती है, जब वाइब्रेशन पास होती है एक पार्टिकल से दूसरे पार्टिकल में पास होती है तो वो हमारे पास क्या बना देती है, साउंड वेव्स बना देती हैं। नेक्स्ट हमारे पास है फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी हमारे पास क्या होती है। द नंबर ऑफ वाइब्रेशंस पर सेकेंड इज कॉल्ड एज फ्रीक्वेंसी, कि आपके पास नंबर ऑफ वाइब्रेशन एक सेकेंड में कितनी वाइब्रेशन साउंड की प्रोड्यूस हुई हैं, दैट इज नोन एज फ्रीक्वेंसी। नेक्स्ट हमारे पास डेफिनेशन है हर्ट्ज, हर्ट्ज हमारे पास क्या होता है, द फ्रीक्वेंसी और वाइब्रेशन, फ्रीक्वेंसी या फिर वाइब्रेशन को मेयर किया जाता है एक यूनिट से, जिस यूनिट को हम क्या कहते हैं, हर्ट्स कहते हैं। फ्रीक्वेंसी का यूनिट बेसिकली क्या होता है, हमारे पास हर्ट्स होता है। और हर्ट्स को हम इसको डिनोट किस तरह करते हैं, कहीं पे भी आपने फ्रीक्वेंसी का यूनिट लिखना हो तो इट्स नॉट कंपल्सरी कि आप उसको पूरा HERTZ लिखोगे, इसका एक स्पेसिफिक यूनिट है दैट इज डिनोटेड एज H, कैपिटल H है और स्मॉल आपके पास Z है, इसको हम क्या पढ़ते हैं, हर्ट्स पढ़ते हैं। द लास्ट डेफिनेशन ऑफ दिस टॉपिक इज हमारे पास है नॉइज पोल्यूशन, नॉइज पोल्यूशन हमारे पास क्या होती है। द अनप्लेजेंट साउंड दैट हर्ट्स अवर ईयर इज नोन एज नॉइज पोल्यूशन। अनप्लेजेंट साउंड वो साउंड्स होती हैं जो हमारे कानों को या हमें वो अच्छी नहीं लगती हैं, नाखुशगवार आवाज़ें जिससे हमारे कान दुखते हैं या जिनको सुन के हम इरिटेट होते हैं, दैट इज नोन एज अनप्लेजेंट साउंड्स। और ये क्या स्प्रेड करती है, नॉइज पोल्यूशन को, तो दैट इज नोन एज नॉइज पोल्यूशन। तो स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर हमारा यही था। आज हमने डेफिनेशंस की हैं यूनिट नंबर 4 की, विच इज़ साउंड। आपने इसको अच्छे से प्रिपेयर करना है, नोटबुक पे भी आपने इसको नोट डाउन करना है और अच्छे से लर्न कीजिएगा इसको। होप सो आपको लेक्चर समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह हम कल से नेक्स्ट इसकी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर वगैरह और सब कुछ कंटिन्यू करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।